हेलो टॉरस, सो ये आपकी रीडिंग फॉर दिसंबर 2020 एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस चैनल और अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड से कि आप कैसा फील कर रहे हैं टॉरस। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ द फोर ऑफ कप्स का कार्ड है टॉरस। ये बताता है कि टॉरस राशि वाले कहीं ना कहीं थोड़े से सैड हैं, अपसेट हैं, मूड स्विंग्स हैं, बोर हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ को, सिचुएशंस को, लव लाइफ को। सो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी उनके खुद के ही थोड़े से मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो शायद से सामने वाले पर्सन को भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। एंड जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एंड रूड हुई पड़ी है अभी के लिए। तो मैं करंटली रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं कह सकती हूँ, चल रही है इश्यूज चल रहे हैं थोड़े बहुत। एंड मैं ये इशू कहूँगी शायद छोटे मोटे इश्यूज हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, बट चलो ठीक है। कई बार जरूरी नहीं कि हर टॉरस राशि वाले के लाइफ में ना छोटी मोटी इश्यूज चल रहे होंगे, जैसे भी प्रॉब्लम्स हो, बट ऑनेस्टली आई डोंट सी अ वेरी बिग इशू टिल नाउ। टॉरस राशि वालों की लाइफ में मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि भैया ठीक है, कुछ टाइम से लड़ाई चल रही है, अब कपल्स के बीच का प्रॉब्लम है, कुछ हार्मनी नहीं है, वो टाइम से अपने आप आएगी ऐसा दिख रहा है। करंट एनर्जीज क्या है? करंट एनर्जी भी है कि भैया हम ठीक है, हम रिलेशनशिप को अभी खड़े धक्का दे रहे हैं, उतनी अच्छी हार्मनी नहीं है, बट ठीक है। प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम का रिजल्ट या रिएक्शन इतना बड़ा हुआ पड़ा है कि अब वो प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इतना कुछ एक दूसरे को कह दिया, अब इस वजह से हर्ट पड़ा है। सो नो, दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। जो मेन मुद्दा है शायद वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शन एंड उसके झगड़े एंड उसकी लिंगन और इतना बड़ा हो चुका है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे अगर मैं देखूँ तो क्या टॉरस राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में रिलेशनशिप की रिकवरी दिखाई दे रही है? तो यस, दिखाई दे रही है। फोर ऑफ वॉर्ड्स के कार्ड आ गए, तो यहाँ पे बड़े अच्छे चांसेस बन जाते हैं। सो सॉरी कि रिलेशनशिप में रिकवरी दिख रही है। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्या मैरिज पॉसिबल है? जी हाँ, मैरिज के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं इन दी दिसंबर मंथ में। टॉरस राशि वालों के लिए शादी होना, कोई रिश्ता पक्का होना, बात आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट दिसंबर के एंड एंड में ही होगा, दिसंबर के स्टार्टिंग या मिड में कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट टू वीक्स में हो सकता है कोई पॉजिटिविटी दिख सकती है, तब तक उससे पहले नहीं है। उसके अलावा आपके लिए टॉरस ये एनर्जी देती है, अगर कोई किसी का कम बैक का वेट करते हो, क्या कम बैक के चांसेस है? तो यस, कम बैक के भी चांसेस अच्छे बने हुए हैं, रिकवरी के भी चांसेस हैं, हीलिंग के भी चांसेस हैं। मैं कहूँगी इन दिस मंथ टॉरस स्ट्रगल आपने बहुत कर रहे हो, इश्यूज भी बहुत है, बट इन इश्यूज से हट कर अब रिकवरी भी आगे आती हुई दिख रही है। तो मैं कहूँगी आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स के बाद में आगे आप होप या पॉजिटिविटी कर सकते हो कि भैया जहाँ पर भी आज मैं हूँ, यहाँ से मेरी रिलेशनशिप में रिकवरी पॉजिटिविटी आएगी, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जो करंट एनर्जीज आपके लिए मुझे दिख रही है आपके, ऑफकोर्स एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज होती है? सिंगल्स में एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी से रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये मंथ बड़ा पॉजिटिव और अच्छा है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि शायद मेरा इस पर्सन के साथ में आगे कुछ अच्छा हो सकता है, या जो न्यू बिगनिंग होने जा रही है, इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, तो यस, इट इज़ गुड एंड पॉजिटिव, आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छी एनर्जीज हैं। या मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव होप बनाकर आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं उस पर्सन के लिए। अच्छे इंडिकेशंस दिख रहे हैं जितने भी सिंगल्स हैं। ऑल ओवर पूरी लव लाइफ को अगर मैं वंस एंड ऑल कवर करूं, अभी के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स हैं और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ भी जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ा मुद्दा अगर चल रहा है तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है, बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर में लव लाइफ में जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स है, डिपेंडिंग कैसी हैं, वो कपल्स के बीच में रिकवरी एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, किसी का कम बैक आना, हर तरीके से एंड ऑफ द दिसंबर में एक पॉजिटिव हार्मनी बनी हुई दिखती है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है? गाइडेंस कार्ड साथ ही साथ आपके लिए ये बनते हैं कि आपके लिए जो कार्ड आया था कैसल का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि देखो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रगल चल रही है, आपके मूड स्विंग्स हैं, शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन हुआ पड़ा है, लोग शायद से आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं टॉरस, आप अपनी तरफ से बहुत समझने की कोशिश करो बट वैसा हो नहीं पा रहा है। सो अगर ऐसा सब चल रहा है तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग एंड नॉट फॉर वॉर।
इसका मतलब ये होता है कि अब अभी का जो वक्त चल रहा है ये वक्त है खुद को हीलिंग देने का, सामने वाले को हील होने देने का, सिचुएशन को हील होने देने का, नॉट टू फाइट। तो अभी फाइट वाला इंटेंशन या प्लान या डिस्कशन छोड़ दीजिए। टॉरस उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ एक चुप सौ सुख वाली बात होती है कि आप थोड़ा सा समय दे दें, ना बोलें, चीज़ें अपने आप हील होंगी। तो अभी आप अपने आप को हील होने दें, जो भी आपके मूड स्विंग्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में नो इश्यूज हैं, तो ये दिसंबर मंथ में खुद को हील होने दीजिए, सामने वाले को भी, एंड जस्ट लेट इट हैपन। समटाइम्स जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो चीज़ें अपने आप नेचुरली भी बेहतर होती हैं। अगर आपके नसीब में कुछ होना लिखा है तो वो डेफिनेटली होके रहेगा, यू नो, आपके कुछ सोचने से या करने से नहीं बदलेगा। ऑफकोर्स हमारे कर्म भी मैटर करते हैं, बट डेस्टिनी भी मैटर करती है। सो टॉरस, आई वुड जस्ट सजेस्ट, यू नो, डोंट फोर्स थिंग्स, जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी टॉरस आपके लिए। बट द गुड न्यूज़ टॉरस के लिए जो मुझे ये दिख रही है कि जो भी सिचुएशन है उसमें से मुझे होप, पॉजिटिविटी, हीलिंग एंड एट द एंड, हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। तो यस, मैं वो कह सकती हूँ कि आप जो भी चेंजेस हैं आ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हैं, एट द एंड रिकवरी दिख रही है। सो यू कैन होप फॉर द बेस्ट, टॉरस की पॉजिटिविटी दिख रही है। दिस इज वॉट आई सी फॉर यू टॉरस। अब मान लीजिए अगर आपके पार्टनर आपसे खफा है, बात नहीं कर रहे, गिव हिम सम टाइम, वही आप कर सकते हैं। बाकी तो अगर मैं नेचुरली देखूँ तो मेरे को रिकवरी तो एंड ऑफ द डिसम्बर में दिख रही है, जैसा कि मैंने कहा, तभी वो जब टाइम सही आएगा तो ऑटोमेटिकली उनका नेचर में भी चेंजेस आ जाएंगे। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू टॉरस। एंड ब्यूटिफुल थिंग आपकी रीडिंग की ये है कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, अभी हीलिंग का टाइम है। तो अपने आप को भी हीलिंग दे, सिचुएशन को हीलिंग दे, वो आपके लिए सुपर पॉजिटिव माना जाएगा। सो yes, this was the reading for you, Taurus. I hope you connect and resonate with it. If so, then do let me know in the comment box below. Thank you so much.